किसी की गरीबी को देखकर कभी कोई रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान और सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। इंसान पैसों से नहीं दिल से अमीर होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक अमीर के घर एक गरीब ड्राइवर नौकरी किया करता था। कुछ दिन बाद ड्राइवर का जन्मदिन आया तो मालिक ने सोचा क्यों ना इसे कुछ गिफ्ट दिया जाए। मालिक एक कपड़े की दुकान पे गया और सबसे सस्ती वाली एक शर्ट खरीद कर ड्राइवर को जन्मदिन पर गिफ्ट कर दी। फिर कुछ ही दिनों बाद मालिक का जन्मदिन आया तो ड्राइवर ने सोचा क्यों ना मालिक को भी कुछ गिफ्ट दिया जाए। ड्राइवर भी एक कपड़े की शॉप पे गया और सबसे महंगी वाली एक शर्ट खरीद कर मालिक को गिफ्ट कर दी। इंसान पैसों से नहीं दिल से अमीर होना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। गौर कीजिएगा इन लाइनों पर कि क्या क्या बनाने आए थे और क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छी तो परिंदों की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। शमशान की राख देखकर दिल में एक ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मिल जाऊं कभी किसी मोड़ पे तो नजरें ना चुरा लेना। ए दोस्त मिल जाऊं कभी किसी मोड़ पे तो नजरें ना चुरा लेना। तुम्हें देखा है कहीं बस इतना कहकर गले लगा लेना। पहुंच गई गिनती हजारों में अब लाख मत होने दो। अरे पहुंच गई गिनती हजारों में अब लाख मत होने दो। तुम रुक जाओ अपने घरों में देश को राख मत होने दो। औरों में निकालते हैं ऐब जैसे खुद नेकियों के नवाब हैं। अपने गुनाहों पर डालते हैं सब पर्दा और कहते हैं जनाब जमाना बड़ा खराब है। तेरा ये दर्द अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब ये परिंदा मुझसे पाला नहीं जाता। और जान मांगी है तो खंजर भी साथ में ले आना। तेरा हुकुम अब मुझसे टाला नहीं जाता। और जिस तरह से तूने निकाला है मुझे महफिल से, ऐसे तो किसी दुश्मन को भी निकाला नहीं जाता। जिनके चले जाने से आज हर शख्स परेशान है, कोई नहीं पूछ रहा कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। मुट्ठी पर लोगों ने बना दिया है मजहब को दुश्मन, वरना क्या फर्क पड़ता है कि कौन कपूर है और कौन खान है। महंगाई लगता है कोरोना बाद में, मगर एक आम आदमी को ये महंगाई पहले मार डालेगी। जहां 10 किलो आटे के 200 रुपए लग रहे थे अब वहां 400 रुपए लग रहे हैं। और ऐसी बहुत सी जरूरत की चीजें हैं जिनके दाम दुगने तिगने बढ़ चुके हैं। और ये सब चीजें इतने पैसे देने के बाद भी टाइम पे नहीं मिल रही है। क्या जमीन नाम की कोई चीज जिंदा है भी या नहीं, क्या करोगे इस पैसे का। और लगता है अब तो कोरोना भी इंडिया से चला जाएगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि यहाँ तो इंसान ही इंसान को मार रहा है। लगता है अब कोरोना का यहाँ कोई काम नहीं। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। किसी से दोस्ती करनी हो तो ऐसी करो, जी हाँ किसी से दोस्ती करनी हो तो ऐसी करो कि तुम्हारे दुश्मन भी जल कर कहे काश हम भी इनके दोस्त होते। एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है, मगर 80% लड़कियां एक अनपढ़ लड़के के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। कड़वा है मगर सच है। सफर का मजा अगर लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा अगर लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, वरना संगे मरमर पे तो हमने अक्सर पांव फिसलते देखे हैं। उठ उठ कर किसी का इंतजार करके तो देखो। अरे जनाब तुम भी कभी किसी से प्यार करके तो देखो। और कैसे टूट जाते हैं मोहब्बत के रिश्ते, जरा गलतियां दो चार करके तो देखो। और समझ आ जाएगा तुम्हें जिंदगी का फसाना
जरा बारिश में कच्चा मकान बनाकर तो देखो। अरे जनाब, तुम भी कभी किसी से प्यार करके तो देखो।